हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने सुना है कि विरुष्का आपके शो पे आने वाले हैं, क्या ये सच है? अब देखिए, मैं जो शो का जो लाइनअप है, जो लोग आ रहे हैं वो उनका जिक्र आप शायद सिर्फ स्टाफ प्लस के साथ, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है कि हमारे पास को सुबह पता चलता है कि आज गेस्ट कौन है। आई थिंक अगर विराट और अनुष्का आना चाहें तो हम बहुत खुश होंगे अगर वो आए, लेकिन मुझे लगता है कि उनके उनके शेड्यूल में बहुत सारा कुछ ऑलरेडी हो रहा है, सो शायद हम उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में इमीडिएटली ना हो। और ये हमें पता ही नहीं रहता कि कौन आने वाला है, सो ये हमें पूछ के कोई, जैसे हमें नहीं बताया गया था कि आप होने वाली हैं, हम आप सरप्राइज थे। But I'm happy. I hope कि आप बहुत खुश हैं। मैं बहुत pleasant surprise था। Normally क्या है कि हर शो को मैं ही host करता हूँ ना, तो मुझे लगता नहीं कि कोई और करता ये काम। अच्छा, आप hot seat पर बैठे हो। Okay, so अगला question एक बहुत ही ज़्यादा anonymous question है, और ये है कि प्रियंका चोपड़ा आपके शो पर आ चुकी है, क्या कंगना रनौत भी शो पर आने वाली है? Will she be invited? It's an anonymous question. I'm sure if Star Plus invites Kangana Ranaut, I'm sure that we will be very happy to have her. हमारा दिल बड़ा है, हमारा घर खुला है, और हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि जो भी हम इनवाइट अगर न्योता भेजें तो हम हंसते खेलते उनको उनका स्वागत करेंगे बहुत इज्जत के साथ, प्रेम और स्नेह के साथ। रोहित, would you like to say anything? Same. और क्या अलग करेंगे, इससे ज्यादा और क्या करेंगे? Okay, so हमने इसीलिए हमारे चैनल का नाम है स्टार प्लस, हर चीज प्लस है हमारे यहाँ, रिश्ते, टेलीविजन कंटेंट और मेहनत प्लस। ओके, अब एक आखिरी रिक्वेस्ट आने वाली है, तैयार हो जाओ। ये मुझे भी नहीं पता था, करण वाही और ऋत्विक के बीच में किसिंग सीन हुआ था, आपको इस बारे में क्या कहना है? देखिए, हम चाहते हैं कि आप ये जो बहुत बड़ा मोमेंट है हिंदुस्तान टेलीविजन पे जो हुआ है वो आप खुद एक्सपीरियंस करें, हम आपके सरप्राइज एलिमेंट को छीनना नहीं चाहते, आप जरूर देखिएगा ये अद्भुत और यूनिक विजुअल बिटवीन करण वाही एंड ऋत्विक। और बिल्कुल मत कहिएगा कि आप लोग उसका डेमो दिखा सकते हैं। जरा झलक दिखा दीजिए। नहीं, सॉरी। अभी आखिरी वाला है। So, when was the last time you did something for the first time? हिंदी। वो आखिरी बार, लास्ट बार क्या था जो आपने पहली बार किया? कहाँ पे किया? Recently आपने वो last time जो मैंने last time वो क्या था जो मैंने कोई चीज को पहली बार किया? Yes. कब किया, कहाँ किया? Very good लिपिका जी। ये तो भाई रोहित, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि आखिरी बार आपने कब पहली बार कुछ किया? नहीं, बट हम दोनों से जानना चाहते हैं ना। मैं तो बहुत कुछ कभी कभी करते रहता हूँ। क्या मतलब है इसका? जिसको जो समझना है समझ ले। अच्छा, क्या किया पहली बार? क्या लास्ट टाइम, व्हेन डिड यू डू द समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, मीनिंग पिछली बार, लास्ट टाइम आपने कभी कुछ जो पहली बार जिंदगी में? अच्छा, एकदम फैमिली आंसर दे देता हूं। मैं फर्स्ट टाइम मेरे बेटे को लेके फरारी वर्ल्ड गया, जो मैंने पहली बार किया अभी 31st पे। सो आई थिंक वो एकदम फैमिली आंसर देना पड़ेगा। मैं बिल्कुल, मैं भी वही दूंगा। आप भी बाप बन चुके हैं तो आप भी एकदम। तो मैं 20 साल में पहली बार मैं मुंबई में था क्योंकि मेरे बच्चे वहां थे, तो वो लास्ट टाइम मैंने पहली बार कुछ किया वो ये था कि मैंने नया साल अपने बच्चों के साथ मनाया। ओके, बहुत सही। सो करण रोहित, दिस क्वेश्चन इज टू बोथ ऑफ यू, आप दोनों डिफरेंट जॉनर्स को बिलोंग करते हैं, तो आप लोग दोनों साथ में इस शो को कैसे जज करेंगे? विल बी एक्सपेक्टिंग सम धमाका फ्रॉम द शो? देखिए, अभी आप मैरिट के बाहर, ये होटल में बाहर जाएंगे ना तो लंबा सा बूफे लगता है वहाँ, तो बहुत सारे आपको डिशेस मिल जाते हैं, तो यहाँ वही होगा, वो एक्शन लाएंगे, मैं इमोशन ले आऊंगा, वो मार धार ले आएंगे, मैं रोमांस ले आऊंगा, तो हम बूफे हैं। ट्रू, डू यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस? या ओके, सो सॉरी, बार में ऐसा सॉन्ग का वो आता है ना, वैसा फीलिंग आने लगा है सडनली, गानों की रिक्वेस्ट आती है ना वैसा हो रहा है। और मैं सॉरी बट वो एकदम सुनने वाले हैं सना फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस।
ओके सो क्या हम आपके किड्स को शो पर देखने वाले हैं? क्या आपके बच्चों को स्टेज पर शो पर देखने वाले हैं? क्या हम आपके बच्चों को शो पर आते हुए देखें? विल वी सी देम ऑन द शो? नहीं नहीं. इन आपके बच्चे? बच्चे ही एक ही है. सो नहीं, जब इस दौरान शो के दौरान स्कूल शुरू हो चुके होंगे तो थोड़ा मुश्किल है.